वार्षिक निरीक्षण के लिए कोरबा पहुंचे बिलासपुर रेल मंडल के जीएम आलोक कुमार। रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं पर दिया जोर। बिलासपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार अपने एक दिवसीय कोरबा दौरे पर पहुंचे। स्पेशल सैलून के माध्यम से कोरबा पहुंचे जीएम ने पूरे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को लेकर जीएम काफी गंभीर नजर आए। साफ सफाई, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने विशेष जोर दिया। दीपका घेवरा कुसमुंडा कोल साइडिंग का निरीक्षण कर अधिकारियों को कोयला ढुलाई तेज करने जोर दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में बने गार्डन का रेलवे अधिकारी की बच्ची से फीता कटवाकर उद्घाटन किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन कोरबा में यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के नेतृत्व में रेलवे संघर्ष समिति व कोरबा विकास समिति के पदाधिकारियों ने जीएम से मुलाकात कर बंद यात्री ट्रेनों को जल्द शुरू करने का लिखित ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहली बात तो यह कोरोना कारण जो बंद हुआ है उसको फिर चालू करें, ठीक है, और जो प्रपोजल भेजे हैं जो गाड़ियां बंद है उसको फिर से चालू करने के लिए उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है। हमने कहा है कि प्रपोजल की कॉपी आपको हमको दे दो, हाँ, तो हम जाकर परसों कर लेंगे। वैसे भी हमने पत्र लिखा है और आज तक के कम से कम केंद्रीय सरकार में जो प्रपोजल हम भेजे हैं, कम से कम मैं भेजा हूँ, वो प्राय प्राय या बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं ये भी भेजे हैं, तो वो निश्चित रूप से स्वीकृति हो जाएगी। हमने एक बात और कहा है, ये छोटे छोटे स्टेशनों में प्रतीक्षालय नहीं है, ऐसा सेट भी नहीं है, तो वहाँ भी प्रतीक्षालय बना है, उसके बारे में विचार करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं बोलूँगा, वो क्यों नहीं हो गया बताइए। करोड़ में 15,000 करोड़ रुपया सालाना लदान से जो उनको कोरबा से आय प्राप्त हो रही है, तो पहले प्राथमिकता कोरबा की बनती है, इसलिए कोरबा को अनदेखा न किया जाए और कोरबा के नागरिकों को कड़े कदम उठाने के लिए, नेताओं को कड़े कदम उठाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर न किया जाए। मीडिया से बातचीत में जीएम आलोक कुमार ने बताया कि कोरबा शहर के बीच 6 रेलवे फाटक हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है, उसके लिए अंडरग्राउंड ब्रिज की रेल मंत्रालय से अनुमति मिल गई है, जिसका काम राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही शेष 4 रेलवे फाटक के लिए भी अंडर ब्रिज की अनुमति ली जाएगी। रेल संघर्ष समिति और कोरबा विकास समिति की मांगों को लेकर कहा कि कोरोना काल से पहले चलने वाली बंद ट्रेनों को जल्द बहाल करने की मांग की है, जिससे जल्द ट्रेनों की सुविधा रेल मंत्रालय की अनुमति पर बढ़ाई जाएगी। देश के पावर प्लांटों के लिए कोरबा से कोयला की आपूर्ति होती है, जिसकी मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोनों के अंडर ब्रिज का काम शुरू करा गया है। पिट लाइन साहब इसके बारे में एक और चीज में कहना चाहूंगा कि हमें आशा है एक गाड़ी जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, हम जो अभी 4 दिन चलती है उसको 1 महीने के अंदर प्रतिदिन चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। और हसदेव एक्सप्रेस कैसे? और इसमें जो हमारा जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है उसको हम नई LHB कोच के साथ, जो ICF कोच के साथ नहीं, LHB कोच के साथ जो बाकी के 3 दिन जो बचे हैं उसको चलाने का प्रयास करेंगे। हसदेव एक्सप्रेस सर, इसके अलावा यहाँ पर लोगों की काफी ये मांग है कि हसदेव एक्सप्रेस जो 4 दिन चलती है उसको बाकी के 3 दिन भी चलाया जाए। इसका प्रस्ताव हम रेल मंत्रालय को भेज चुके हैं, आज सांसद के प्रतिनिधि भी यहाँ थे, विधायक महोदय भी आए थे, उनको भी हमने ये अवगत कराया, उनकी तरफ से भी ये मांग करी गई थी। वो हमने कहा कि हमारी तरफ से प्रस्ताव रेल मंत्रालय को जा चुका है, हम प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर निर्णय रेल मंत्रालय में लिया जाना है, तो वो भी अगर उचित समझे तो जो जन मांग है, जन आकांक्षाएं है, वो भी रेल मंत्रालय तक पहुंचा दें ताकि हम ये सुविधा जल्दी से जल्दी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दे सकें। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।